एक एक मुखी रुद्राक्ष का एक दूसरी जाति का रुद्राक्ष जो इंडोनेशिया में मिलता है वो समझो काजू की तरह ऐसे ही यूं, और वह एक मुखी रुद्राक्ष करके खूब बिका जाता है, काजू की तरह होता है यूं ऐसे। एक मुखी रुद्राक्ष की सकल सूरत शंख की तरह होती है और उसको महादेव के रूप में पूजा जाता है। वो पहना नहीं, वो उसको पूजते हैं। साक्षात भगवान महादेव का रूप है। लिखा है एक वक्त्रा सेवा साक्षात, एक वक्त्रा सेवा साक्षात। जो एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात शिव है। भुक्ति मुक्ति फल प्रदा, जिंदे जी तो ये संसार की सब वस्तुएं दे देता है और मरने के बाद ये मुक्ति दे देता है, मोक्ष दे देता है। ये एक मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। क्या लिखा है? तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। इसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते, इसके दर्शन मात्र से, एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते। ब्राह्मण को मारना तो ब्रह्म हत्या है ही, ब्राह्मण का धन खाना उसको भी ब्रह्म हत्या में लिया गया है। हाँ, बहुत खतरनाक धन है उसका, परमात्मा बचाए उसे। यदि ऐसा कोई जघन्य अपराध हो गया है तो दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। और क्या लिखा है? लिखा है यत्र संपूजितस्तत्र लक्ष्मी दूर तरा नहीं। जो एक मुखी रुद्राक्ष का पूजन करते हैं लक्ष्मी माता उनसे कभी भी दूर नहीं रहती, उनके घर में सर्व प्रकार की समृद्धि रहती है। एक मुखी रुद्राक्ष का ये महात्म्य है। मेरी बड़ी श्रद्धा है, मैंने देश क्या परदेश तक छान फेंक दिया है रुद्राक्ष की जानकारी लेने के बारे में। रुद्राक्ष बड़ा महंगा आता है, ऐसा ऐसा इसमें 14 मुखी रुद्राक्ष 20,500 का है एक दाना, एक दाना 20,500 का है। एक एक ही है, एक दाना उसकी इतनी कीमत। यहां से साल में कितने रुद्राक्ष आप सबके घर भेजे, कितनी मालाएं आपके, और सब टोटली असली ओरिजिनल नेपाल से मंगाया हुआ। तुलसी वन आश्रम से जितना भी रुद्राक्ष आप भक्तों के घर पहुंचा है 100% शुद्ध है, वो 100% असली है, उसमें कोई नकली बात नहीं हो सकती। जो एक मुखी रुद्राक्ष जिन्हें के पास है, और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा एक मुखी रुद्राक्ष नहीं है, जब महादेव के पूजा में से आप उठते हैं तो उससे पहले भगवान को एक फूल चढ़ाइए और ये कहिए हे भोलेनाथ हम इस फूल को ही एक मुखी रुद्राक्ष समझकर आपको चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं।